नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मॉड्यूल और हुक्स का इस्तेमाल करके पेजेस को कंपोज किया गया है। तो इसका बेसिक मतलब यही था कि दूसरे CMS की तरह प्रिस्टा शॉप में हर एक पेज के लिए अलग से टेम्पलेट नहीं है। मतलब हमारी जो थीम है, अभी हम क्लासिक थीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर होम पेज के लिए एक टेम्पलेट, प्रोडक्ट के लिए एक टेम्पलेट, कैटेगरी के लिए एक टेम्पलेट, कंटेंट के लिए एक टेम्पलेट, ऐसा कोई खास स्पेसिफिकेशन नहीं है। हमारा जो हर एक पेज है वो एक से ज़्यादा मॉड्यूल से होकर कंपोज हुआ है। जिस तरह से बेसिक साइट में एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक साइड बार होता है, बस उसी तरह यहाँ कुछ ज़्यादा कंपोनेंट है और वो बहुत डिटेल में है। तो मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ, वो समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो आप डिज़ाइन में, आप पोजीशन में जाइए। जब तक वो पेज ओपन होता है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अभी एक कॉन्टेक्ट अस की लिंक है, यहाँ पर लैंग्वेज स्विच के लिए फैसिलिटी है, यहाँ पर कस्टमर अकाउंट की लिंक है, यहाँ पर कार्ट है, फिर यहाँ पर आप लोगो, मेनू और सर्च बार देख रहे हैं, उसके बाद एक स्लाइडर, फिर कुछ प्रोडक्ट, फिर कुछ HTML और फिर से कुछ प्रोडक्ट। तो देखिए, यहाँ पर हमारे लिए ये होम पेज है, लेकिन ये सबसे पहले जो ऊपर है तो इसे हम कहेंगे डिस्प्ले नेविगेशन, उसके बाद डिस्प्ले टॉप, उसके बाद डिस्प्ले टॉप कॉलम, उसके बाद डिस्प्ले होम और फिर आखिर में डिस्प्ले फुटर। तो कहने के लिए तो ये होम पेज है, पर ये अलग अलग हुक से बना हुआ है और वो सभी हुक आपको यहाँ पर डिज़ाइन में मिल जाएंगे। आप किसी भी हुक पर सर्च कीजिए, मान लीजिए कि आप अभी ये होम पेज देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर सर्च कीजिए डिस्प्ले होम। तो देखिए, इमेज स्लाइडर, फिर फीचर प्रोडक्ट, तो ये इमेज स्लाइडर और फिर ये फीचर प्रोडक्ट, उसके बाद बैनर, तो यहाँ पर ये बैनर, उसके बाद कस्टम टेक्स्ट, तो ये है हमारा कस्टम टेक्स्ट, उसके बाद स्पेशल ब्लॉक, तो ये है हमारी स्पेशल प्रोडक्ट, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट, तो ये है न्यू प्रोडक्ट, उसके बाद टॉप सेलर, तो जो अभी ये जो शॉप है वो नहीं है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये कुछ कोई प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा है, और फिर गूगल एनालिटिक्स, तो जो मॉड्यूल इंस्टॉल किया गया हुआ है एनालिटिक्स को कलेक्ट करने के लिए वो। तो कहने को तो ये होम पेज था, लेकिन असल में ये अलग अलग मॉड्यूल से कंपोज करके बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो यह बात है कि अगर आपको कोई कहता है कि मुझे होम पेज में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको कहीं पर भी होम पेज नाम का टेम्पलेट नहीं ढूंढना है। आपको यही ढूंढना है कि कौन से हुक पे कौन सा मॉड्यूल ट्रांसप्लांट किया हुआ है और उस मॉड्यूल में आपको क्या चीज़ चेंज करनी है। आप कोई भी पेज में चले जाइए, फिलहाल हम कैटेगरी पेज में जाते हैं, इसे हम यहाँ पर कैटेगरी पेज बोल रहे हैं, लेकिन असल में हम इसे कहेंगे जेनरिक तौर पे कि लिस्टिंग पेज है, क्योंकि अगर कैटेगरी होगी, सप्लायर होगा, ब्रांड होगा, तो उसके लिए एक कॉमन लिस्टिंग होगा, सर्च होगा तो उसके लिए भी वही कॉमन लिस्टिंग होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो ये लेफ्ट कॉलम है, डिस्प्ले लेफ्ट कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, कैटेगरी ट्री लिंक्स, तो यहाँ पर जो आपको दिख रही है कैटेगरी की ट्री वो ये है, उसके बाद ब्रांड, तो यहाँ पर ब्रांड्स, उसके बाद सप्लायर लिस्ट और उसके बाद ये फिल्टर। तो अगर आपको कोई कहता है कि मुझे कैटेगरी पेज पर कुछ चेंज करना है, तो असल में आपको कैटेगरी का टेम्पलेट नहीं ढूंढना है, आपको यह ढूंढना है कि आप कौन से मॉड्यूल को कौन से हुक पर डाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी वही है जो नेविगेशन है, टॉप है और उसके बाद फुटर है। तो कैटेगरी का तो कोई टेम्पलेट ही नहीं है, पूरे का पूरा पेज है वो अलग अलग मॉड्यूल से कंपोज होकर बना है। फिर आप चले जाइए किसी भी प्रोडक्ट पेज में, तो देखिए यहाँ पर भी ये जो प्रोडक्ट का जो बेसिक टेम्पलेट होगा, जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर आप आइए, यहाँ पर है राइट रिव्यू, तो उसके लिए अलग से मॉड्यूल है, ये फिर ब्लॉक एश्योरेंस है तो वो अलग से मॉड्यूल है। तो ये यहाँ पर भी अलग अलग आपको हुक मिल जाएंगे, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले फुटर प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट पेज का जो फुटर होगा, तो देखिए यहाँ पर जो रिव्यू है, यहाँ जो क्रॉस सेलिंग का मॉड्यूल है वो यहाँ पर डाल रखा है, प्रोडक्ट की कमेंट,
सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट, क्रॉस सेलिंग। अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फो दिखाना है, यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया, प्रोडक्ट कमेंट, मेल अलर्ट, तो वो सब यहाँ पर है। ये है हमारा एडिशनल इन्फो। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि प्रिस्टा शॉप की जो थीम है वो हर एक पेज के लिए अलग टेम्पलेट नहीं बनाती है, बल्कि हर एक पेज पर अलग अलग मॉड्यूल को ट्रांसप्लांट करके उसे बनाया गया है। तो अगर आपको किसी मर्चेंट से रिक्वेस्ट मिलती है काम करने के लिए कि मुझे अपने इस पेज में इसे चेंज करने हैं, तो आपको उसका टेम्पलेट में कुछ चेंज नहीं करना है, आपको बस सही मॉड्यूल से सही हुक पर सही कंटेंट डालनी है। देखिए बोलने में ये बात बहुत ही बेसिक है, लेकिन अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं और फिर आप इस पर काम कर रहे हैं, और अगर आपको सिर्फ स्पेलिंग भी बदलना होगा ना, तो आपको शायद कुछ घंटे लग जाएंगे आपको ढूंढने में कि ये कहाँ से आया होगा। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये जो प्रिस्टा शॉप का जो प्रोडक्ट पेज है वहाँ पर एक हुक है एडिशनल इन्फो, तो आप जाएंगे कि ये है हमारा डिस्प्ले एडिशनल इन्फो हुक, और फिर आपको देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है। बस बहुत सिंपल है। फिर आपको क्या करना होगा, इस मॉड्यूल में जाना होगा, उसकी टेम्पलेट फाइल ओपन करनी होगी, और वहाँ पर से जो भी चेंज करना होगा वो आप कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर और पिंट्रेस्ट का लोगो है, अब आपको यहाँ पर व्हाट्सअप का लोगो डालना है, तो बस आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया शेयर बटन पर जाना है, मतलब इस मॉड्यूल को एडिट करना है, और वहाँ पर जो भी आपको एड एडिट या रिमूव करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं होता तो शायद आपको घंटों लग जाते हैं ढूंढने में। तो अब आपको ये पता चल गया है कि प्रिस्टा शॉप में पेज कैसे बनते हैं। तो हमने जो पिछले 3 वीडियो में देखा, ये सब कुछ बेसिक बातें थी, लेकिन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर ये पता नहीं होता तो हम ज़्यादातर कन्फ्यूज़ रहते। इससे आगे हम बैक ऑफिस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम कैटलॉग, कस्टमर और ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हर वीडियो की तरह मैं आज भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा, मुझे मालूम होगा, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।